दे दिया। वह भी तो रोज सोती है, भगवान के मंदिर में भी माथा टेकती है। उन्हें भगवान से मिलेगी पोता मांगा? पोता मांगे तो तुमसे कहेगी? अरे मांगती होगी होगी। तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रही हूँ ना। अब तू सुन ले, पोता चाहिए मुझे, कुछ कर। बाबाजी, मम्मी जी, पापा में नमक तैयार हो जाएगी, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना देता हूँ।
पायल तेरा मैं कपड़े देना आपके जी आई 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 निकाल के जरा काजल जी मम्मी जी ये दो कप्स ले जाओ ये बच्चे नहीं लेना चाहे उठा ले जाओ जी जी आई भाभी मेरे को भी पानी दे दीजिए आई अनिशा अरे क्या कर रहे हो ये डॉक्टर ने मना नहीं किया ये सुना नहीं है देखो जब मैं खा रहा हूँ तो मुझे धोखा मत करो तो नहीं दो बस फिर दवा खाने को पड़ेगी ठीक है एक गोली और खा लेंगे पापा जी आप दोनों ऑफिस में चल जाना और मैं ऑफिस भेज दूंगा ठीक है आप दोनों लंच हो गया ना बेटा आप लोगों ने टिफिन और होटल लंच दिया पानी की चलिए फिर चल रहा हो रहा है अरे क्या हुआ जल्दी आइए टाइम हो गया है अरे रुकिए डैडी मैं भी आ रही हूँ अच्छा गर्म हो गया चलिए अरे काजल मेरा बैग लेके आना वापस जाना मुझे जोर से आवाज दे भूसी बैठी होगी कहीं काजल मेरा बैग लेके आ जल्दी काजल मेरा बैग लेके आना जल्दी ऑफिस निकल जाओ लेट हो रहा काजल आई 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 यार हम तो छुट्टी है बिल्कुल तू 24 घंटे फोन में लगा रहता है तो यार चिल्ला क्यों रहा है मुझे पता है 3 दिन से पानी नहीं आ रहा बाथरूम में आ जाएगा पानी 3 दिन हो गए भाई साहब बिना नहाए हुए ऑफिस जाता हूँ तो सब टोकते हैं बदबू आती है जिस्म में से जियो लगा के जाकर ना बदबू मालूम पड़ेगी किसी को क्या उस प्लम्बर को फोन नहीं कर सकता तू अरे कर रहा हूँ मेरी जान कर रहा हूँ
राजन जी मम्मी जी। अरे किसका फोन है भाई, उठाते क्यों नहीं हो? कोई नहीं मम्मी जी, वो रॉन्ग नंबर है। बस यही तो है ना, इसी के पास रॉन्ग नंबर आएंगे। रॉन्ग नंबर अरे का था पता नहीं मुझे। अरे तो ठीक है, तू ऐसे ही पढ़ा रहे पढ़ना रहे, मैं तो चला सुधर जा, अभी भी टाइम है, मम्मी है बहुत मेरे पास। चेहरी खुशी कहाँ ले जाओगे? अरे यार ये मिठाई का डब्बा लेके आया, बता ना बाप। अरे कोई बात नहीं है ना, अच्छा। अरे तो खुशखबरी है क्या? क्या हो गया, किस बात की खुशी है? और मुझे बोनस भी मिला है। देखा बच्चों, पापा तो प्रमोट हो गए, बहुत अच्छा। अब तू भी सुन ले, तू भी मेरे मन की शांति ला दे। अब तो बस मैंने एक तमन्ना तू भी पूरी कर, इससे तो पूरी कर दी। अब जीते जी होता और कोशिश तो कर। अरे मॉल गए थे ना आदेश का, ले गया बच्चों को घुमाने के लिए। अभी मैं जब घर में आया वो सूखा कौन सा लग रहा था, सब खा गए। हाँ अनीशा भी गई है ना। कितनी देर हो गई? शायद देख के आती हूँ किसका तुम्हारा नहीं है तो उसी का होगा, किसका हो गई होगा। अरे आपको मेरे कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं करते? और मैंने इतने सारे मैसेज किए ना, उसको भी जवाब दिया। पता है जब से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है ना, मैं दीवाना हो गया हूँ। समझो तुम बहुत प्यार करता हूँ यार, बहुत प्यार करता हूँ। हेलो हेलो तहसील, हेलो। अरे एक मिनट रुक गया, हेलो अभी बताती है उसको कौन यार से बात करती है। क्या ड्रामा आया ये तेरा, मेरा मूड खराब मत कर। कल जी मूड खराब मेरे से लंबा को फोन करने के लिए कहा था, तू सिचुएशन ही नहीं समझ। यार नया फिल्म करे, नया फिल्म करे। अरे बाबा रे इतने मैसेज, क्या बहू पाई है भाई, छोटी किस्मत। तो भाई बहू की कर तू लाडी है ना तुम्हारी, देखो
हमारी किस्मत थी जो ऐसी लड़की हमारे घर आई, शादी करी हमारे बेटे से और कुछ छुरे उड़ाइए किसी और से। सही आने दो इसको। और सुनो जी, तुम मत बोलना, जब वो आएगी ना बिल्कुल चुप रहना। तुम आज मैं देखती हूँ उसे। देखा तुमने कितनी रात हो गई है, अभी तक नहीं पते हैं इन लोगों के। आने दो आज इन लोगों को, ना देख खो मैं कसके। घर का पोता तो देने से रही, ऊपर रॉन्ग नंबर ना होना, पता नहीं कितने दिन से चक्कर चल रहा होगा उसका। इतने फोन आया करते थे, तुमने तो पूछा भी था। हाँ मैंने तो पूछा था, लेकिन तुमने उसका साथ दिया था ना। अरे महारानी अभी से हम तो आ रहे हैं, लेकिन इतना टाइम हो गया, आप लोग अभी तक सोए नहीं। आप और पापा जी क्या, आप लोग को नींद नहीं आ रही क्या? तो देखो देखो जो पूछ रही है, सोए नहीं, यहाँ तो रातों की नींद खराब कर दी और कह रही है सोए नहीं। क्या होगी बताओ तो मुझे। बात करती है, क्या कर दिया बताओ को। मुझे कुछ भी नहीं पता, ये क्या कर रहा है। तो बढ़िया, क्या होगी। अरे कुछ नहीं, इससे पूछ कुलक्षण से, क्या कर दिया इसने बता बता। आप कैसे मेरी जबान बंद है। अचानक से हो गया, हम लोग गए थे, आप इतने खुश थे, हम लोग अच्छी तरह से गए, और आप अचानक से इस तरह से गुस्से में, इतने गुस्से में। अक्सर इसके मोबाइल पर फोन आता था, और ये कह देती थी कि रॉन्ग नंबर है। तो यही समझते थे कि रॉन्ग नंबर, लेकिन आज इसका फोन जब घर पर रह गया तो हमारी माँ ने वो सारी बातें सुनी। जो ये चली गई तो फोन मैंने उठा लिया, ये समझ के कि ये बोलिए। मुझसे कहता है जानो कैसी हो, तुम तो बड़ी सुंदर लगती हो, मुझसे बात कब करोगी, मुझसे मिलने कब आओगी। किस बारे में बात कर रही है, क्या पूछना चाह रही है। क्या बताऊँ बेटा, क्या बताऊँ, अब क्या क्या बताऊँ मैं इसके लिए। इससे पूछ कुलक्षणी से, वो जिससे ऐसा मोबाइल का आया आज। मोबाइल नहीं है ना, मोबाइल शायद घर पर छूट गया। जल्दी मैं देना, क्या हुआ मम्मी जी। हमेशा अपना फोन अपने खीस से मैं लगा के रखती थी, तो अब चौके में जा रही है, कहीं जा रही है, फोन यही दबा रहेगा। आ जाएगा गलती से यहाँ पे, देख देख कैसे सीधी साधी से बनी हुई है। अरे तू चुप कर, ज्यादा सती सावित्री मत बन ना। अरे फोन आ चल गया यहाँ पे, फोन की घंटी बजी हमेशा की तरह से। तो पहले बजती थी तो कह देती थी मम्मी जी लॉन्ग नंबर है, मैं मान लेती थी। भैया भरोसा है अपने बच्चों पे, अपने संस्कारों पे, तेरी माँ जैसे संस्कार नहीं है मेरे बच्चों के। इससे मिलना चाहती है तो मम्मी जी रॉन्ग नंबर ही था, तो मैंने रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर था। तो मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ मैं, रॉन्ग नंबर था। आप झूठ नहीं बोल रही, लेकिन हो सकता है आपको देख देख हो गई। देख देख इसको देख, इसका मतलब कोई बात नहीं है, ये सब बहुत गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बहुत गलत। अब देखा कैसे क्रियाली आप कर रही है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो छोड़ इसको, बुला इसके माँ को, आज फैसला हो के ही रहेगा। तू क्या करेगा है जो कहा सब तुम। संदीप जी जरा आ जाओ तुम यहाँ पे, जरूरी काम है क्या। ना 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 ना, तुम नहीं आके तुम्हें पता चलेगी क्या हुआ। जैसी बच्ची जैसी हटी हो वैसी आ जाओ। आइए आइए,
बड़ी देर लगा दी। अमरूद में ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी रात को आपने फोन कर दिया? क्या बात हो गई? पूछो इससे क्या बात हो गई। कैसे नाटक देखो, अपनी लाडली का नाटक देख लो। मुझे झूला चढ़ाई है और आप तो कुछ बोलोगे नहीं ना। आप भी तो मालूम हो क्या बात हो गई। पूछो सर। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, मैं भगवान को साक्षी करके कहती हूँ। अरे तो चुप रहा, मुझे भी गलत कहते होंगे ये मान लो। चुप रहा, क्या बात है? हाँ समझेंगे, क्या बात है? क्या रंजन लगा रही हमारी बेटी की? देख तू ही बता, आप कैसी जबान बन रहे हैं इसकी? मुझे पूछे मुझसे से पूछिए आप। दिखाएंगे बताएंगे सब लगाएंगे। ये तो बताओ, अच्छे संस्कार वाली लड़की को आज इतना कम लगा है? संस्कार? ये संस्कार है? हाँ ये सच है। बड़े भारी आए, आवाज नीचे, आवाज नीचे। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे संस्कार की भी सच बात है। सच बात है? जरी से पूछो, सच बात है? कैसी जबान चल रही है? आप ही दिखाती हूँ। क्या सबूत है? हाँ हाँ सबूत भी दिखाती हूँ। तू यही हो, अभी दिखाती हूँ असलियत तेरी माँ को और तेरे भाई को। हाँ दिखाती हूँ। भगवान को साक्षी करके कहती हूँ मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो संसार से बिल्कुल मानती हूँ। सिर्फ मेरी क्यों बच्चों में कौन फेंकी? बिल्कुल जो जानते तो मैं लगा रही, अभी दिखाती हूँ। सबूत चाहिए ना नानियों भी? हाँ ये देखो सबूत। हाँ ये सब क्या है? इसीलिए मुझे पढ़ना क्या मेरा बड़ा किया ये सब झूठ है। ये सब सबूत है? आपने क्या तेरा नाटक? हमें कैसे सकल दिखाएंगे? हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। अरे जय सिंह, अभी अभी एक मर्डर हुआ है, अभी एक मर्डर केस में जाना है और गाड़ी निकालो। सर यह एक महिला की हत्या हुई थी, क्या है पूरा मामला जरा बताएं। यहाँ एक महिला की हत्या हुई है, हमको फोन आया है पुलिस स्टेशन में, यहाँ इंक्वायरी चल रही है, अभी उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे हम क्या हुआ है। सर हत्या किसने की है, किसके ऊपर शक है आपका? शक नहीं, हत्या ये कहते हैं इन्होंने की है ये उसके भाई। पूरा मामला क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रही है पुलिस और वो आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बात बताते हैं सर, क्या लगता है आपकी हत्या जो हुई है इसकी क्या वजह रही?
देखने में तो ये ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है, लेकिन चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। सर लगभग रोजाना ऐसी घटनाएं सामने आती है, तो क्या इसमें आगे आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून अपना काम कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपको बता पाएंगे। थैंक यू। अरे जैसी जी सर, ये एक नंबर है जिसकी कॉल डिटेल्स उसको चाहिए, जल्द से जल्द तुम उसको नोट कर लो अपने पास और मुझे इसकी डिटेल्स दो। ठीक है सर। तो एक बंदा ने यूट्यूब पर परेशान करा उसे गुस्सा दिए और गंदी गंदी बातें कर रहा उसे, ये वाला। हेलो इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ मैं, तेरी कंप्लेंट है तो एक लेडी को फोन कर करके तंग कर रहा है, आज के बाद मैं सुन ना लूं ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि सालों अंदर सड़ जाएगा, जमानत तक नहीं होगी तेरी। और हाँ एक बात और ध्यान से सुन ले, मेरा नाम है इंस्पेक्टर खान, जो फाड़ देता है अच्छे अच्छों की, समझ ले तू। सुनील कौन है? पुलिस? कौन है तुम में से सुधीर? क्या हुआ क्या इंस्पेक्टर साहब? मैं पूछ रहा हूँ, सुनील कौन है तुम में से? ये सुनील सर, सर सुनील इसका नाम है सर। लेकिन सर मेरा नाम तो विशाल है, इसका नाम है सर सुनील। सर मैं कह रहा हूँ इसका नाम है सुनील का नाम है। पकड़ से जी से आगे बताएगा। हां पकड़ से आगे बताएगा। आग में ना पाए पकड़ लाऊंगा तुझे अभी थाने में, बहुत दौड़ा लिया तूने, थाने जा तुझे हवा खिलाऊंगा जेल की, होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। जा और दौड़ा रहा है ना, जा और दौड़ाया करना तुझे पुलिस को। अब तुझे बताता हूँ दोबारा किसे कहते, गलती हो गई तुझे पता है, तेरी गलती से कई बड़े बात बतौर हो गए, एक लेडी का मर्डर हो गया सिर्फ तेरी गलती की वजह से। राजस्थान में अरे जय सिंह जी सर, सर आइए हमारा गंगा राम तैयार करके दो। जी सके जी सर, इसमें अच्छे से मिर्ची विर्ची लगा के झूठे झूठे से आए यहाँ पर, गलती हो गई, वो दूसरे दुश्मनी निभा रहा है और वो उसके अंदर भी यहाँ आया है। उसी का इंतजाम कर रहा हूँ, हमारे गंगाराम को तैयार कर, इसे अच्छे से मिर्च उर्ची लगाना। सर आपको तो पता है। पहले मैं उसका इंतजाम कर दूं, फिर तुझे बोलूंगा। मेरे दोस्त से गलती हो गई, माफ कर दूं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम दोनों दुश्मनी थी, बहुत याराना लगता है ना तेरा, लगता है तुझे भी उसके पास ही पहुंचाना पड़ेगा मुझे। दोनों को चढ़ाना पड़ेगा, बहुत याराना।
सर मैं तो सर उसके सर मेरे भाई जैसा सर वो मैं उसकी तरफ सर माफी है सर प्लीज सर थोड़ा रहम करिए सर 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 मैं तो खाली सर उसको सर आप तो जानते हैं सर वो बच्चा है सर उसको प्लीज माफ कर दीजिए आगे से ऐसा नहीं करेगा सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर प्लीज क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर खान जो खा देता है अच्छे अच्छों की तुझे भी उसी के पास पहुंचाई देता हूँ सर मुझे माफ कर दो सर सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ दोनों को अंदर कर दिया जाए छुड़ा दिया जाएगी नहीं सर ऐसा मत करो सर मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी सर मुझे माफ करो सच उगलेगा नहीं तो सच उगलवाना आता है मुझे मेरा नाम है इंस्पेक्टर खान जो फा देता है अच्छो अच्छो की सच सच बता तू ये उड़ान नंबर करने वाला बोल ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि तू जेल में चलता रहेगा ये देख पाएगा ना ऐसा केस बनाऊंगा जिंदगी भर जेल में सता रहेगा तू तेरी वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए मेरा नाम है इंस्पेक्टर खान अरे भाई गोपाल भैया भी तो वेट कर रहे होंगे तीन देर हो गए हम दो चल रहे हैं अरे हेलो हेलो इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ मैं हाँ जी बोलिए हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें आपकी बहू निर्दोष निकली जी और अभी इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा कि आपने जो अपनी बहू को अत्याचार करा आप क्या बोले जा रहे हैं शक शुबे की बिना पर इतना अत्याचार किया कि आखिर उसका भाई एग्रेसिव होकर उसको हत्या करने मजबूर हो गया अरे ऐसे कैसे हो जाएगा मेरा क्या कसूर है भाई हत्या के लिए उकसाने पर हम आपको भी उचित कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन एक महिला होने के नाते मैं आपको वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ओ। ये क्या हो गया क्या हो गया सही कह रहे हैं तुमने एक बाहर के आदमी का भरोसा किया जो मैसेज आए थे तुमने पढ़ लिए तो उसे दिशा तक नहीं कम से कम अपने बच्चों का भरोसा करना होता है हमने अपने बच्चों को भरोसा ना करके बाहर वाले पर भरोसा किया अरे सब सही कह रहे हो पूरी गलती मेरी थी मैंने उसका नहीं देखा वो कह रही थी डॉक्टर के चीख चीख के कह रही थी मुझे मैंने नहीं किया लेकिन मैं मेरी किस्मत मैं क्या करूं मुझे मैंने नहीं किया तुम मुझसे बहुत कहती थी ना बहू का बहुत विवर करता हूँ अरे बहू हमारी थी ही बहुत अच्छी और मेरे को ये नहीं समझ में आता आखिर चुप हो जाओ फेंक दिया मैंने वो पाइप नहीं लूंगी हाथ से इसीलिए बाहर वालों पे नहीं अपने बच्चों पे विश्वास करना चाहिए अब क्या होगा बताने से मुझे पता है तुमने अपनी जिस बहन का फोन किया है वो निर्दोष थी हमने जब कार्ड लेने से करवाई
तो तेरी बहन ने कभी उस लड़के को फोन किया ही नहीं था। वो लड़का हमेशा उसे फोन करता था, वो निर्दोष थी। मुझे सर मेरे बहन निर्दोष थी। पूरे सिर्फ खून ही नहीं किया है, रिश्तों का खून किया है। मुझे ऐसा मालूम नहीं था मेरी बहन निर्दोष, मुझे ऐसा लगा कि तीन तीन भगवानों की हत्या की है। मैं किसको मुंह निकालना चाह रहा था, मुझे माफ माफी मांगनी है अपनी बहन से मांग। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे जैसी हेलो, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये आपको बताना पड़ रहा है कि जब आपके बेटे को पता चला कि वो अपनी निर्दोष बहन का मर्डर कर चुका है, वो निर्दोष इसलिए हमारी जांच में कोई सबूत सह न सका और उसको हार्ट अटैक हो गया। ऐसा नहीं बोलिए। गलत है, ऐसा नहीं बोलिए। आप प्लीज अपने ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। हम सर काजल की जिंदगी भी एक पहेली बन गई जिसे कोई सुलझा नहीं सका। अगर रॉन्ग नंबर के सच को समय से सुलझा लिया गया होता तो शायद काजल जिंदा होती, पर इसको सुलझाया नहीं गया बल्कि उलझाया गया। रॉन्ग नंबर की पहेलियों को हमेशा गंभीरता से सुलझाने की जरूरत होती है, और जब कभी भी कोई भी रॉन्ग नंबर सरदर्द बने उसकी सूचना पुलिस को अवश्य देनी चाहिए, जिससे समय रहते पहेली को सुलझा लिया जा सके और किसी काजल की जान बचाई जा सके।